हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम मिल्क केक बनाएंगे। मार्केट जैसा मिल्क केक सॉफ्ट कैसे बनते हैं, हर एक टिप्स आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। हर टिप्स को ध्यान में रखते हुए फॉलो करेंगे तो आपके भी मिल्क केक इसी तरीके से सॉफ्ट बनेगा, मुंह में घुल जाने वाले। तो चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, मिल्क केक बनाने के लिए आपको लोहे की कढ़ाई लेना होगा। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो इस तरीके के स्टील का भी कढ़ाई ले सकते हैं। उसमें हमने आधा कप पानी डाल दिया है। ध्यान रखेंगे कि कढ़ाई या फिर पतीला मोटे तले की होना चाहिए। अब हम इसमें 1 किलो फुल क्रीम दूध डालेंगे। फुल क्रीम दूध से मिल्क केक हमारे परफेक्ट बनेंगे। अब इसे तेज आँच पे एक उबाल आने देंगे। तो मोटे तले की कढ़ाई हमने इसीलिए यूज किया है ताकि दूध तले में चिपकती भी नहीं है। अब पानी जो हमने डाला है उसके भी वजह से तले में दूध नहीं चिपकते हैं। अब इसे लगातार मिक्स करते हुए दूध को तेज आंच पे एक उबाल आने देंगे। लगातार मिक्स करते रहेंगे दूध को तो दूध में मलाई भी नहीं बैठेगी। मलाई नहीं बैठेगी तो मिक्स करने की वजह से मलाई भी हमारे दानेदार बन जाएंगे। तो ये देखिए, दूध में एक उबाल आ गया है तेज आंच पे। इस दूध को अब हम आधा जलाएंगे तेज आंच पे मिक्स करते हुए। जी हाँ फ्रेंड, दूध को जलाना होता है मिल्क केक बनाने के लिए। तो लगातार मिक्स करते ही रहेंगे, नहीं तो तले में लग जाते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि एक ही लीटर दूध में और कम टाइम में आपको मिल्क केक ज़्यादा बनाना है तो इसके लिए आप इसमें 100 ग्राम मिल्क पाउडर कच्चे दूध में घोलकर इसमें डाल दें। तो इससे क्या होगा कि दूध गाढ़ी हो जाएगी। जब हम दूध को जलाएंगे तो इसमें खोया ज़्यादा बनेगा। खोया ज़्यादा बनेगा तो मिल्क केक की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और इसमें टाइम का भी बहुत बचत हो जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं दूध हमारा आधा जल गया है। अब इसमें हलवाई लोग जो डालते हैं, इसमें फिटकरी डालते हैं मिल्क केक को दानेदार बनाने के लिए। अगर आप मिल्क केक में फिटकरी डाल रहे हैं तो 1.5 किलो दूध में मटर के दाने जितना फिटकरी डाल दें उसका पाउडर बना के। तो यहाँ पे हमारे पास फिटकरी नहीं है तो इसमें मैं आधा नींबू का रस डालूंगी। नींबू का रस डालने से दूध थोड़ा सा फटेगा। थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर ज़्यादा नींबू का रस डाल देंगे तो ये पनीर जैसे दूध फट जाएगा, फिर मिल्क केक नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा ही नींबू का रस डालेंगे, आधा से भी थोड़ा सा कम डालेंगे, या फिर आप थोड़ा थोड़ा डाल दें। जब देखें कि थोड़ा सा दूध फटने लग गया है, दाने दाने दिखने लग गया है, तब इसमें नींबू का रस नहीं डालें। ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना, नहीं तो आपके पनीर बन जाएंगे। तो दानेदार बनाने के लिए हलवाई लोग यही टिप्स अपनाते हैं। तो ये देखिए, दूध हमारी हल्की हल्की फट गई है, आप देख सकते हैं। बस इतना ही दूध को हमें फाड़ना है मिल्क केक को दानेदार बनाने के लिए। अब क्या करेंगे, ये जो कढ़ाई में दूध लग गई है ना मलाई, इसे हम इस तरीके से दूध को फैला देंगे तो सूखी कढ़ाई में मलाई जो सूख गए हैं वो नरम हो जाएगा और इसी चम्मच से हम इसे निकाल लेंगे। अगर हम इस टाइम नहीं निकालेंगे तो ये मोटी परत में बैठ जाएंगे, तो बाद में ये जल्दी से छूटेगा भी नहीं और मिल्क केक हमारा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए साथ साथ ही इसे छुराते जाएं तो आसानी भी रहती है छुराने में, साथ में ये सारे मलाई हमारे मिल्क केक में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने इसे मिक्स करते हुए अच्छे से जला लिया है। दूध का क्वांटिटी 1/3 हिस्सा रह गया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो चीनी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 किलो दूध है तो इसमें 150 ग्राम चीनी डाल देंगे। तो इस टाइम हम आधा ही चीनी डालेंगे, आधा चीनी बाद में डालेंगे। तो इसे अब हम 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते हुए चीनी को घुलने तक पकाते हैं। फ्लेम को तेज रखना है। तो ये देखिए, चीनी जब घुल जाते हैं तो फिर से लिक्विड हो जाते हैं, मीन्स ये पतला हो गया है। तो इसे और जला लेंगे जब तक चीनी का पानी अच्छे से जल नहीं जाता है और इसमें से घी निकलने नहीं लग जाता है, तब तक इसे मिक्स करते हुए पकाना है।
तो फ्रेंड पहले जो हमने आधा चीनी डाला है इसकी वजह से मिल्क केक हमारी ब्राउन बनेगा। ये देखिए इस तरीके से रेड हो जाएगा। पहले जब हम चीनी डाल के पकाते हैं तो ये रेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे घी दिखने लग गया है, तो बचा हुआ भी चीनी इसमें डाल देंगे और इसे फिर से पकाएंगे जब तक इसमें से और अच्छे से घी नहीं दिखने लग जाता है। चीनी हमने फिर से डाला है तो फिर से इसमें पानी छोड़ देगा, पानी को सुखाएंगे, फिर से घी को सेपरेट करेंगे। तो ये देखिए घी अच्छे तरीके से दिखने लग गया है, तो कुछ देर इसमें इसे और पकाएंगे। तो इसमें अब हम 2 से 3 चम्मच देसी घी डाल देंगे। देसी घी डालने से मिल्क केक हमारी सॉफ्ट बनेंगे, मुंह में घुल जाने वाले, और इससे क्या होगा कि कढ़ाई में इस टाइम चिपकेगा भी नहीं। और इस टाइम ध्यान रखना है कि करछी को फटाफट से चलाना है, नहीं तो नीचे तले में चिपक जाएंगे, क्योंकि चीनी भी है और घी दूध भी अच्छे से चल गया है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से इसमें घी सेपरेट हो गया है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, थोड़ी देर कढ़ाई में ही मिक्स करते रहेंगे। थोड़ा सा ही ठंडा करना है, इस टाइम ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे। तो इसके लिए एक केक टिन या फिर कटोरी भी ले सकते हैं। तो इसमें घी से ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से, ताकि जब हम मिल्क केक को निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाए। तो ये देखिए हमने इसे ग्रीस कर लिया है, अब इसमें मिल्क केक को डाल देंगे। तो ज़्यादा हमने ठंडा नहीं किया है, बस थोड़ा सा ही ठंडा किया है। गरम गरम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से सेट कर देंगे और इसे ढक देंगे। ढक के इसको रख देंगे साइड में 3 से 4 घंटे के लिए, गरम में ही ढक देंगे, ताकि ये गर्माहट की वजह से इसका कलर थोड़ा और डार्क हो जाएगा। तो अच्छे से इसे हम सेट कर देते हैं। आप चाहे तो इस टाइम इसमें ड्राई फ्रूट बारीक कटी हुई भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमने अच्छे से सेट कर दिया है। 2-3 बार इस तरीके से पटक देंगे, ताकि थोड़ा सा भी कहीं से गैप होगा तो सेट हो जाएगा। 3 से 4 घंटा के लिए रख देंगे, या फिर आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो मैंने कुछ देर के लिए फ्रिज में रखा था, 1.5 से 1 घंटा के लिए। अब हम इसका किनारा निकाल देंगे, कुछ सेकेंड के लिए गैस पे रखेंगे, ताकि नीचे जो जम गया है घी वो थोड़ा सा पिघल जाएगा, तो मिल्क केक आसानी से निकल जाएगा। कुछ सेकेंड के लिए ही रखना है, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, बस इतना देर रखेंगे कि हमारी घी पिघल जाए और मिल्क केक बर्तन से आसानी से निकल जाए। तो ये देखिए हमने निकाल लिया है, अब हम इसे कट करेंगे। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट मिल्क केक बन के तैयार हुआ है। तो आप अपने हिसाब से इसका पीस बना सकते हैं। तो फ्रेंड है ना, मिल्क केक घर में ही कितना आसानी से बन जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आते हैं बेल प्रेस करें, ऑल सेलेक्ट करें। इससे क्या होता है कि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूंगी ना, आपके पास सबसे पहले आएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे मिल्क केक को बहुत अच्छा सा शेप दे दिया है। तो ये देखिए मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ।